नमस्कार। 2 दिन से थोड़ा बुखार था, गले में थोड़ी खराश थी। इतवार को थोड़ा बुखार होना शुरू हुआ तो सबने सुझाव दिया कि कोरोना का वक्त चल रहा है और यही सिम्टम्स होते हैं कि कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस दौरान आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा और ऊपर वाले की कृपा से टेस्ट नेगेटिव आया। आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपने शुभकामना संदेश भेजे। मैं अपने घर में ही एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए पिछले 2 दिन से देख रहा था। मेरा शरीर तो यहाँ था लेकिन मेरा मन इसी में था कि दिल्ली में किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है कोरोना को कम करने के लिए, लोगों को इलाज कराने के लिए। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। कल SDMA की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे, LG साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहां पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1,00,000 केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि अपने आप को, हमें सबको कोरोना से बचाना है, इसे अब जन आंदोलन बनाना है। 3 बातों को, हमें मास्क पहन के घर से निकलना है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी तक हम कहते थे कि हमें करना है, अब हमें ये भी करना है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि भाई साहब आप भी कर लीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर कोई और नहीं कर रहा तो उसकी वजह से दूसरों को फैल सकता है, उसकी वजह से कोरोना दूसरों को हो सकता है। तो इसे अब जन आंदोलन अपने को बनाना है, सबको खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। जैसे ऑड इवन में हमने जन आंदोलन किया था ना, ऑड इवन में हम भी करते थे और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो गाड़ी रोक के शीशा नीचे करके उसको कहते थे कि भाई साहब घर चले जाओ, आपका व्हीकल आज ऑड है या इवन है, ये ठीक नहीं है। ऐसे इसको भी अपने आप को जन आंदोलन बनाना है। अपने को, अपने स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, जितना इसको फॉलो करेंगे उतना चांसेस कम है कि आपको कोरोना होगा।
दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती, एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को एलजी साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया, ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, अभूतपूर्व चुनौती है। जैसा मैंने कहा, 15 जुलाई को दिल्ली में 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी दिल्ली वालों के लिए, 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बाहर से कितने लोगों के आने की उम्मीद है।